कभी कभी जब हम फिल्टर लगाते हैं या हाइड करते हैं तो क्या होता है कि जब जब उसको कॉपी करते हैं तो पीछे के डेटा भी कॉपी हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है और अपनी डेटा को कॉपी करके किसी अनदर लोकेशन में हम पेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा पेस्ट होगा, देख सकते हैं। लेकिन मुझे पेस्ट करना है जो मेरा रीजनल है, जो दिख रहा है उसी जो हिडन है वो नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 11 हमारा हाइड किया हुआ है, वो नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी होता है, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें विजुअल सेल्स ओनली। क्या सिलेक्ट करेंगे, विजुअल सेल्स ओनली। तो क्या होगा, जो एरिया विजुअल है वही एरिया आपका सिलेक्ट होगा। आप इसको कॉपी करेंगे और कहीं पेस्ट करेंगे तो जितना एरिया आपका विजुअल था वही पेस्ट हुआ। अब इसका यूज हमेशा आप फिल्टर पे करेंगे। जैसे आपने फिल्टर लगाया, इस पे फिल्टर लगाने के बाद मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अजीत को सिलेक्ट कर लिया तो जितना अजीत और इंदू मोहन तीन को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। अब मुझे इसको कॉपी करना है तो छोटे मोटे डेटा का फर्क नहीं पड़ता, बट बड़ा डेटा हो तो कॉपी करने से पहले आप कंट्रोल जी करें, स्पेशल में जाएं और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें विजुअल सेल्स ओनली। उसके बाद डेटा को कॉपी करके किसी अदर शीट या अदर लोकेशन पे आप पेस्ट करेंगे।